श्री गणेशाय नमः। परम गुरु देवेभ्यो नमः। मात पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको बता रहे हैं कि सनातन आर्य जीवन पद्धति में डाक और तिल का क्यों महत्व है। तो प्राचीन समय की एक कथा सुनाते हैं कि पहले समय में एक हिरणाक्ष नाम का दैत्य हुआ, जो ब्रह्मा जी द्वारा रचित इस सृष्टि को, धरती को हरण करके और ले जाया करता था पाताल लोक में। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से आराधना की कि भगवान, आप हमारा कल्याण करें, मेरे द्वारा रचित पृथ्वी को कोई दैत्य हरण करके और ले जाता है। तब भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया और अपने दांत के ऊपर, डाढ़ के ऊपर, डाढ़ यानी एक दांत विशेष होता है, उसके ऊपर धारण करके इस पृथ्वी को ऊपर ले करके आए। उस समय भगवान विष्णु के जो वाराह रूप धारण किया था भगवान ने, तो उनके शरीर से कुछ पसीने की बूंदें नीचे गिरी हैं। उन पसीनों से तीन प्रकार के तिल उत्पन्न हुए, काले, भूरे और सफ़ेद। इन तीनों तिलों के या तीन में से एकाध प्रकार के तिल को जल में मिलाकर हम स्नान करते हैं तो समस्त तीर्थों में स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तीनों प्रकार के तिल में या इनमें से एकाध किसी तिल का हम दान कर देते हैं तो हमारे द्वारा मन से, वचन से और कर्म से किए गए पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो हाँ, यहाँ ऐसा ना समझ लें कि पाप कर लो और तिल का दान दे दो, पाप नाश को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा हमने वीडियो में देखा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे पाप नाश को प्राप्त होंगे जिन्हें करने के बाद में आपने सच्चे मन से पश्चाताप किया और उन पाप को फिर कभी आप नहीं करते हैं, तो वे पाप नाश को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से तीनों में से या तीनों तिलों का हम दान करते हैं तो सारे दान देने का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम डाल के बारे में बता रहे हैं। तो यदि आप ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, उनका निःशुल्क उत्तर हम आपको देंगे। तब उसी समय जब भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया था तो और ऊपर ला करके स्थापित कर दिया, तब क्या हुआ कि उनके शरीर से कुछ बाल नीचे गिरे। उन बालों से तीन प्रकार की वनस्पति उत्पन्न हुई। पहली डाब, दूसरी डाब इसको कुशा भी कहते हैं, दूसरी मूंज, इसको मोइया भी कहते हैं, तीसरी कांस। तो इन तीनों वनस्पति में से किसी एक का भी जो भी मिल जाए हमें, तो इन्हें पितृ और देव कार्य में हम अवश्य उपयोग में लेते हैं। तो ये तिल और डाब दोनों इसीलिए महापवित्र माने गए हैं क्योंकि ये भगवान श्री वाराह के शरीर से उत्पन्न किए गए हैं और महापातकों को नाश करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी हम दूसरे वीडियो में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता जी की। जय परशुराम जी।